भीष्म पितामह बाणों से छलनी थे और सामने बैठी हंस रही थी द्रौपदी। क्या है इसके पीछे की असली वजह? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट वीडियो आपको जानने व सुनने को मिलती रहे। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाभारत कई तरह कहानियों और रहस्यों से भरा एक महान ग्रंथ है। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की है। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर पितामह भीष्म तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उनकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक वे खुद न चाहें। इस असहनीय पीड़ा के बावजूद महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे पितामह भीष्म। युद्ध के बाद शाम को भीष्म पितामह से मिलने सभी लोग आए। एक रोज जब द्रौपदी आई तो उन्हें देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी। पितामह भीष्म कौरव और पांडव दोनों पक्ष के लिए बहुत पूजनीय थे। ऐसे में द्रौपदी को उनके इस अवस्था पर हंसता देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। सब क्रोध में डूबी नजरों से द्रौपदी को देखने लगे और द्रौपदी हंसती जा रही थी। द्रौपदी ने कहा, आज जो भीष्म युद्ध के आदर्शों के बारे में सबको प्रवचन दे रहे हैं तो जरा इनसे पूछिए तब इनके आदर्श कहाँ थे जब भरी सभा में दुर्योधन ने मेरा चीर हरण किया था। ये तो पितामह भीष्म भी जानते थे कि ये गलत हो रहा है, फिर भी ये चुपचाप क्यों रहे? क्या तब ये अपने आदर्श और मूल्य को भूल गए थे? द्रौपदी का व्यंग सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे पांचाली, मैं जानता था कि सभा के मध्य में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका। मैं अपने वचन से बंधा था। भीष्म ने आगे कहा कि उस समय मैं कौरवों का नमक खा रहा था। मेरे ऊपर उस नमक का कर्ज था। जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अन्न ने मेरी जीभ को अपने वश में कर लिया था और बोलने भी नहीं दिया था, इसीलिए मैं उस समय उस क्षण चुप रहा। मैंने उस समय इसे एक बस खेल का नियम समझा था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और मेरे कुरुवंश के नाश की ही वही असली शुरुआत थी। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से भीष्म पितामह बाणों से छलनी लेटे हुए थे। तब उस समय द्रौपदी जोर जोर से हंस रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।